बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल का कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप। खरगोन के दंगों में कांग्रेस और उनके नेताओं का हाथ, कमल पटेल। पटेल ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस का हाथ उपद्रवियों और दंगाइयों के साथ। शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री और खरगोन जिले के पालक मंत्री कमल पटेल ने रामनवमी पर खरगोन में हुए उपद्रव में कांग्रेस और उनके नेताओं का हाथ होने का बड़ा आरोप लगाया। मंत्री पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब खरगोन में पत्थरबाजी, आगजनी और लूट हो रही थी, तब कांग्रेस ही मौन थे। दूसरी तरफ जब सरकार ने कार्यवाही करना शुरू की तो चंद घंटों में कांग्रेस व उनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली को तकलीफ हो गई। नवमी के दिन खरगोन में रामनवमी का शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, इस पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, लोगों के घरों में आग लगाई, लूटपाट की, दंगे भड़काए, अराजकता फैलाई। इस पर कांग्रेस के नेताओं का कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, कोई निंदा नहीं। लेकिन जब प्रशासन और शासन ने इन दंगाइयों पर, पत्थरबाजी करने वालों पर, आग लगाने वालों को पहचान करके इनको सजा दी, जेल भिजवाया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी में कभी दूसरे की हिम्मत ना हो ऐसा करने की, गलत काम करने की, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही, इनका पेट दर्द हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, उपद्रवियों, देशद्रोहियों के साथ है।